ग्रॉस प्रॉफिट दिया है और नेट सेल या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया है, हम डायरेक्ट लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमें कुछ अगर हमें नहीं दिया है ग्रॉस प्रॉफिट, तो हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू नेट सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है, नेट सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जो हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टॉक टर्नओवर रेशियो में निकाला था, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के लिए हम क्या करते थे, नेट सेल में से जीपी माइनस कर देते थे। तो उसी फॉर्मूले को इधर उधर करके और हमने क्या कर दिया है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो भी उसी फॉर्मूले से हम चाहे तो पुट करके हम निकाल सकते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला है नेट सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। या क्वेश्चन में अगर हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या है, ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक आएगा, ठीक है। इसमें क्या ही आएगा, ओपनिंग स्टॉक में स्पेयर पार्ट्स एंड टूल्स, ध्यान रखना ओपनिंग स्टॉक आएगा, बस स्पेयर पार्ट्स जो भी रहेंगे और टूल्स नहीं आएगा। फिर परचेजेस ऐड कर देंगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐड कर देंगे। डायरेक्ट एक्सपेंसेस मालूम है ना, जो गुड्स गुड्स प्रोड्यूस हो रहा है, जो भी गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं तो प्रोडक्शन से रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस रहते हैं वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस रहते हैं। जैसे रॉ मटेरियल के लिए जो भी खर्चा किया, वेजेस, मजदूरों की मजदूरी दी, ठीक है, तो मजदूर गुड्स बनाने में हेल्प करते ना, फ्यूल्स लगा, ठीक है, जो कच्चा माल आया उसका उसका जो भी किराया वगैरह जो भी है, गुड्स बनने से संबंधित जो भी जो खर्चे रहते हैं वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाते हैं, और गुड्स बनने के बाद जो खर्चे रहते हैं वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाते हैं। ध्यान रखना बच्चों, गुड्स बनने से पहले तक के जितने भी खर्चे रहते हैं वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस रहते हैं, और गुड्स बनने के बाद जो खर्चे रहते हैं वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। और वैसे भी हमने 11th में पढ़ लिया है, 11th में आपने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया था, ट्रेडिंग अकाउंट में जितने भी एक्सपेंसेस आते थे, जितने भी एक्सपेंसेस उसमें रिकॉर्ड किए जाते थे ट्रेडिंग अकाउंट में, वो कौन से होते थे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। और जितने भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड किए जाते थे एक्सपेंसेस वो क्या कहलाते थे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्योंकि वो प्रोडक्शन होने के बाद के एक्सपेंसेस होते हैं। तो ध्यान रखिए, ओपनिंग स्टॉक आपको स्पेयर स्पेयर पार्ट्स एंड टूल्स की लेना, परचेज लेना, डायरेक्ट एक्सपेंसेस लेना या प्रोडक्शन से गुड्स प्रोड्यूस होने से बिफोर के एक्सपेंसेस। क्लोजिंग स्टॉक में भी ध्यान रखना आप लोगों को स्पेयर पार्ट्स और टूल्स नहीं लेना। अगर ये इस प्रकार की इंफॉर्मेशन है आपको दिया, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिए, क्लोजिंग स्टॉक, आपको ये बार फॉर्मूला लगाना है, ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के लिए, ठीक है। अब आपको अगर ये इस टाइप की इंफॉर्मेशन नहीं दी है, ऐसी इंफॉर्मेशन दी है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, ये फॉर्मूला पढ़ चुके पहले, ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, चेंज इन स्टॉक, ठीक है, फिनिश्ड वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन, ठीक है, फिनिश्ड वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक है, और प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे,